अंबेडकर नगर। धोबी समाज और कुछ स्थानीय भूमाफियाओं के बीच जमीन कब्जा करने को लेकर विवाद। कोतवाली टांडा से चंद कदम की दूरी पर थिरुआ नाला से सटी बिछौटिया के नाम से जाने जाने वाली प्रसिद्ध बेशकीमती जमीन पर पहले से भूमाफियाओं की नजर पड़ी थी। आज शुक्रवार दोपहर वहां कुछ लोगों ने पहुंचकर धोबी समाज को डरा धमकाकर कुछ स्थानीय भूमाफिया द्वारा कब्जा करने की कोशिश हुई विफल। धोबी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर डटकर किया मुकाबला, जिससे भूमाफिया को हटना पड़ा पीछे, क्योंकि उक्त भूमि को धोबी समाज अपनी बता रहा है, जो बिछौटिया के नाम से नगर क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जिस पर पूरा धोबी समाज कपड़ा धुलने का सुखाने का कार्य बीते कई दशकों से करता चला रहा। धोबी समाज के लोगों का कहना है, ये भूमि नगर क्षेत्र की बेशकीमती भूमि है, जिस पर भूमाफिया की नजर पड़ गई है, जिसे आज धोबी समाज को डरा धमका कर कब्जा करने का भरपूर प्रयास किया, जिस पर पूरे धोबी समाज ने इकट्ठा होकर डट कर किया मुकाबला। आइए सुनते हैं धोबी समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। भैया ना, जिसे ये जमीन जो है धोबी समाज की है, ये जो है हमारे जो पूर्वज रहे थे इसके पहले, हम लोग यहाँ 2-3 पीढ़ी से रह रहे हैं। हम लोग अपना काम काज, जैसे कपड़ा धोना हो गया, धान फैलाना हो गया, यहीं पर सब लोग करते थे। पूर्वज लोग जो हमारे थे, दादा परदादा, उन लोगों ने इस पे मुकदमा लड़ा था। मुकदमा हमारा जो हुआ था ध्रुव जायसवाल और जो है धोबी समाज के बीच हुआ था, तो मुकदमा जो है ये फाइनल हो गया था लगभग वही 150 के आसपास। इसके बाद क्या हुआ कि ध्रुव जायसवाल ने कहा कि ऐसा भैया कि आप में समझौता ये है कि सड़क के 60 फुट आप उधर और इधर, हम इसको बेच देते हैं, बाकी दोनों तरफ जो जमीन है वो हमारे धोबी समाज यहाँ रह करके अपना कपड़ा धोएंगे, धान फैलाएंगे, अपना रहेंगे, इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है।